अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन टिक्का बोटी रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ आपको चिकन टिक्का बोटी बनाना सिखाऊंगी, वो भी पंजाबी स्टाइल में। मगर इससे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इन्ग्रीडियंट्स में चलूँ, हम लोगों ने यहाँ पर लिया है चिकन, उसको अच्छी तरह से हम लोगों ने धो लिया हुआ है। और ये हमारे मसाला जाते हैं बहुत ही कम। सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ, यहाँ हमने लिया है हल्दी और साथ में लिया है नमक, लाल मिर्च, दही, नेशनल वालों का चिकन टिक्का मसाला, नेशनल वालों का चाट मसाला। ये मसाला जात के साथ हम आपको चिकन बटर टिक्का तैयार करना सिखाएंगे। यहाँ हमने अच्छी तरह दही को फेंट लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च हसबे ज़रूरत, हल्दी डाल देंगे, नमक हसबे ज़रूरत, चिकन टिक्का मसाला डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे नेशनल वालों का चाट मसाला, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चम्मच के साथ। मसाला जो डाले थे हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी नाज़रीन, हमारा मसाला जो था बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला तैयार हुआ है वो गोश्त के साथ अच्छी तरह से लग जाए और अच्छी तरह से गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। जी नाज़रीन, हमारा चिकन जो था मसाला जात के साथ बिल्कुल लग चुका है। अब हम बिल्कुल दो गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए कवर कर कर रख देंगे 20 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, 20 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा चिकन जो था बिल्कुल मैरिनेट हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं माशाल्लाह से हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है सीख में डालने के लिए। जी नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बिल्कुल तैयार है गोश्त। अब हम बोटी पकड़ेंगे और साथ में सीख में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, बहुत एहतियात के साथ आपने ऐसे सीख के अंदर बोटी डाल देनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाला ज़्यादा तेज़ या कम कर सकते हैं, और सीख जो है आप 3 बोटियाँ डाल लें, 3-4 डाल लें, आप अपने अंदाज़े के मुताबिक कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 4-4 डाली हैं एक सीख के अंदर, आपके सामने हैं एहतियात के साथ। नाज़रीन, आप लोगों ने ऐसे सीख के साथ गोश्त डालना है तरतीब के साथ और बहुत आराम आराम से। ये देखिए हमारा थोड़ा सा गोश्त रह चुका है। 3 सीखें हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, अब ये चौथी है। हम लोगों ने एक सीख में 4-4 बोटियाँ डाली हैं, आप अपने अंदाज़े के मुताबिक डाल सकते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको पकाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे कोयले गर्म कर लिए हुए थे। अब हम इसके ऊपर चिकन रख देंगे, थोड़ा सा कलर आने तक हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार है, 15 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये चिकन टिक्का बोटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी हमारे चिकन टिक्का बोटी बिल्कुल तैयार है। नाज़रीन, ये देखें हम लोगों ने आज आपके साथ रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।